थी। अरे का इरादा बाप, काम पर नहीं के जाए के? जाए के तो बाहो, लेकिन श्रीमान जी हनीमून खत्म हो चुकल बा और घर बसावे के टाइम आ चुकल बा, तो ये सब छोड़ी और अच्छा बच्चा की तरह काम पर लग जाई। और सुनी, आज हम माई के ले आवे के एयरपोर्ट जाता नहीं, याद बना कि वो कुछ दिन खातिर घरे आवता नहीं? हमके तो याद बा, तू मत बुला जी। और सुनी, अगला साल तक हमके एगो बच्चा भी चाहिए। अगला साल तक बच्चा चाहिए, अभी से तैयारी करे के पड़ी ना। आलोक भैया बनाएंगे तो फिल्म तो अच्छी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल भाई, हीरोइन के बारे में क्या सोचे? लड़की नहीं होनी चाहिए, मॉडल टाइप, सेक्सी, जैसे कि वो लड़की। वो लड़की के दिखला के बाद हमारे दिल दहल गए, कहीं ये हमार मेहरारू तो नहीं है यहाँ और ये हालत में? हम जानत नहीं इनके, आवत नहीं। हमार कदम आगे बढ़े के तैयार ना रहे, दिल जोर जोर से धड़के लगल और यह कहत रहे कि भगवान करे ये हमार मेहरारू ना होके। अंजलि, अरे यार, हमार नाम अंजलि ना, हमार नाम एंजल हो। सुपरस्टार निरहुआ सर, रहुआ खातिर हम अंजलि का, अंजलि, एंजल, अंजू, आम्रपाली, कुछ भी बने खाती तैयार बानी सर। आज हमार बहुत लकी डे है, काहे कि हमके एक ना दुदु को निरहुआ दिखाई दे रहल बा। वैसे सर हम रोज ना पियनी, खाली कबो कबो। आज के दिन हमार बहुत खराब रहे, एगो ऑडिशन में बड़ा मेहनत से सिलेक्ट भईनी और ये भूले के बीमारी की वजह से शूट पे जाए के भुला गई नी। और सर वो लोग क्यों दूसर लड़की के साथ शूटिंग कर लेलस। वैसे हम रोज ना पियनी, बस कबो कबो, काहे कि बच्चन साफ कहलन आदमी के दारू ना पिएगे चाहिए, दारू पियला से लीवर खराब हो जाला। और हम तो वादा कहले बानी मरे के बाद अपन लीवर, किडनी, दिल, फेफड़ा, आँख सब कुछ दान में दे दे। शराब ना पिएगे चाहिए सर, एगो रोल दिवा दी ना प्लीज, बस एगो छोटा सा रोल भी मिल जाए था। इनका हालत देखा था रू, इस सब का? अच्छा, अब समझ ली कि हमरा के घरे लेवे कहीं नहीं आए, एंजल बनगल हुई है। मतलब? अरे बेटा जी, अंजलि कबो कबो एंजल बन जाले। अरे बेटा, अंजलि जब एंजल बने नी ना, वो ऐसा नाटक अक्सर करत रहनी जैसे उनकर आगे भी कुछ पता नहीं किए कि वो का कर रहा बानी। अरे यहाँ तक कि एक कमरा से दूसरे कमरा में चल गई है, अपन कुल रूप रंग बदल ली है और अपना के पूरा तरीका से अंजलि से आजाद कह के एंजल बन गई है। और एंजल बनला के बाद वो अपना के ऐसा समझे नहीं जैसे वो कबो अंजलि रहबे ना कहनी। तो बेटा सुना, कबो कबो ऐसा नखरा पसारे ले, ओ बेरा तो वो हमरहू के नेखे चिन्ह ले, हमरा के मकान मालकिन और अपना के किरायेदार समझे लगे ले। बाकी चिंता मत करी, सब ठीक हो जाए। दिमाग के डॉक्टर के देखो नी उनके? हे भगवान, रुआ के हमार बेटी पागल लगतिया जो नकरा के हम दिमाग के डॉक्टर के दिखाई। अरे कहनी ना कि वो कबो कबो ऐसे नौटंकी पसा रहे ले। कुछ नहीं के भाई, ठीक हो जाए, चिंता मत करी। अरे तो आप हमके पहले काहे ना बतौनी? अरे तो कौन कैंसर जैसन बीमारी जन बतावल जरूरी रहला। ठीक हो जाए, चिंता मत करें, ठीक हो जाए।
अब हमके समझ में आयल कि कैसे वादा करके वो ना आवत रहली। हमरा के ना भूले के बीमारी बा, जब भी ज्यादा टेंशन होला हम सब कुछ भूला जाने। काले भी ऐसे भइल रहे और जब हम पूछत रहनी तो भूल जाए के बहाना करत रही। ना बेटा, हमार बिटिया झूठी नहीं खे, अरे ओकरा सच्ची में भूले के बीमारी बा। हो सकता कहे कि जब अंजलि हमके पहला बार मिलल रही तो ना पहचान ली। तो रहुआ के बानी आप हैं मशहूर गायक निरहुआ? हमार नाम दिनेश लाल यादव, पर जब आज एंजल बन गई है तो पहचान गई। सुपरस्टार निरहुआ। अंजलि सिर्फ हिंदी फिल्म देखेली और शायद एंजल भोजपुरी भी। हमार मन ही माने के तैयार ना रहे कि हमार मेहरारू अंजलि कोनो नाटक करेली। माता जी, आज से आपके हिजे रह के पड़ी। अब कुछ ना, हम अंजलि के एक पल अकेला नहीं छोड़ सकत। प्लीज यही से अगले ही दिन हम अपना मेहरारू के डॉक्टर के पास लेके गईनी बहाना से। अंजलि ध्यान से देखा और डॉक्टर सम्मोहन के जरिए सच जाने की कोशिश कईले। ई एंजल तोरा भीतर कैसे आई? याद करा अंजलि। और जोन सच सामने आई वो जनला के बाद हमरे तरह आप लोग भी दहल जाएगा। एंजल के काचे हैं अंजलि, ई हमें तोहर नया मास्टर हैं। आज से तोरा के ये ट्यूशन पढ़े हैं। अरे ई हमारे स्टूडेंट ना, ई तो हमार भांजी ही है भांजी, अरे उरो तो हमार बहिन है। अरे अरे आ एकरा के पढ़ावल तो हमार पहला कर्तव्य बा जी। आ एकरा के ना पढ़ाई तो केकरा के पढ़ाई जी? वो मास्टर बहुत गंदा आदमी रहे, रोज हमरा साथे गलत हरकत करत रहे। हम बहुत डरा गइल रहनी, बहुत घबरा गइल रहनी। हमरा में ना तो माई के बतावे के हिम्मत रहे और ना ही वो पापी मास्टर के रोके के हिम्मत। बस ये बात के फायदा उठा के पढ़ाई के बहाने वो रोज ये घिनौना हरकत करत रहे। तब हम अपना अंदर एंजल के पैदा कर लेनी जे अंजलि से एकदम अलग है। वो अंजलि जैसन डरपोक ना, एंजल तक गुस्सैल और जिद्दी भी है। अब एंजल के बस वो मास्टर के मार के भगावे के रहे। हम अंजलि नहीं, एंजल है। एंजल, एंजल दोबारा हमके छुए के कोशिश भी मत करी हा। पागल, पागल हो गई भी है, पागल हो गई भी है, लड़की पागल हो गई भी है, पागल, पागल, पागल हो गई भी है बहन, ए बहन, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, राउर बेटी, ठीक से ना पढ़ा तरला सिया, थोड़ा सा ओकरा के उल्टा सीधा का बोल देनी है कि बोतल चला के सीधे सर फाड़ देला सिया। हाँ अंजलि। अरे अंजलि ना, वो एंजल, एंजल बहन। अंजलि। दिखा गई। झूठ बोल रहा है भाई मास्टर, ये हमरा साथे गंदी हरकत करेला, ऐसे हमें के मरनी हो। अरे ना बहन, ये पागल हो गई भैया। अरे ये अंजलि ना, एंजल, ये एंजल। हाँ हम एंजल हैं। ये झूठ बोल। ना मास्टर, हमार बिटिया झूठ ना बोल सकत। वो तोरा संगे जौन भी कैले हुई बिल्कुल ठीक कैले हुई, और अब तोर सच्चाई हम दुनिया के सामने लेके आईब। अच्छा तो तू दुनिया के सामने लेके आईबू, हम वो बताएं दुनिया के सामने कि तहर बेटी पागल हो गई। खबरदार, खबरदार, ये बात अगर घर से बाहर गई तो ते जिंदगी भर जेल में सड़बे मास्टर। याद रखिए, चुपचाप यहाँ से चल जाओ। माफ कर दे, भाग यहाँ से, भाग। चल तो जाइब हम, लेकिन फिर यहाँ आई। फिर आई बे, तो फिर मारब। भाग। ये सब कहा अंजलि, एंजल अंजलि, ये सब कहा बिटिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम पापी मास्टर के संगे तोरा अकेले पढ़े के भेज ली। अब ऐसी गलती कबो न हुई, अब तोरा के कबो न सदे। बाकी नाटक बंद कर बिटिया, ये नाटक बंद। ए मकान मालकिन, हम अंजलि ना एंजल है और तू हमार माई ना मकान मालकिन है।
मास्टर अंजलि फिर आ गई ले छोड़ो निकल कर गले रानी ना अंजलि छोड़ ते फिर आई बे तो फिर मारा चुप छोड़ो अंजलि अरे अरे अंजलि अंजलि छोड़ो हम का तन की ना छोड़ो छोड़ो अंजलि अंजलि छोड़ो छोड़ो जा सुनो अरे डॉक्टर मैं अंजलि मार डाल तो रखे अंजलि वन छोड़ो हम रखे सुनो अंजलि बात सुनो शांत हो जाओ अंजलि अपन मास्टर से लड़े खातिर अपना से बिल्कुल अलग अपने शरीर के भीतर एंजल पैदा कर ले बानी लेकिन डॉक्टर साहब अंजलि के एंजल के बारे में कुछ पता नहीं के और एंजल के भी अंजलि के बारे में कुछ मालूम नहीं के हाँ ये बीमारी इसने होला एक शरीर में दो या उसे ज्यादा भी लोग रहला जेकर रहन सहन जेकर स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होला एक दूसरे का बातचीत भी याद ना रहला और यहां तक कि एक दूसर का चीज ओकरा के सामने भी आ जाला तो ऊपर यकीन ना होला लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो मास्टर नहीं के फिर एंजल का है डर शायद डर मास्टर के लौट आवे का डर की वजह से अंजलि के शरीर के भीतर आज भी एंजल पड़ी जे कबो भी आवाज जात रहली एक कर इलाज का डॉक्टर साहब इलाज तो कुछ नहीं के बस कुछ दवाई का सहारे मरीज के धीरे धीरे सच बतावत रहे जब तक कि मरीज ठीक ना हो जाए और सच बतावे में कोनो खतरा तो नहीं के बहुत बड़ा खतरा बा मरीज के झटका लग सकेला और आत्महत्या का कोशिश भी कर सकेला अब आप सोच ली कि सच्चाई बता के मरीज का साथे जोखिम उठाए हमरा के अब सब समझ में आ गई भाभी जी के अपरिचित फिल्म के हीरो वाला बीमारी बा वैसा नहीं कुछ बा यार तहरा लगे दुए को रास्ता बा या तो अंजलि भाभी के साथ है जियो या तो उनकर साथ छोड़ दो छोड़ नहीं की सकत यार बहुत प्यार करे ने उनका से हमेशा उनके साथ है रहा सुख में भी दुख में भी और बीमारी में भी हमार समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रहे हम अपना मेहरारू अंजलि के सच ना बता सकत रहनी और ना ही उनका के ऐसे एंजल बन के जिए खातिर छोड़ सकत रहनी यह दोगो बात हमरा के बेचैन करके रख देले रहे हमके लागत रहे कोनो न कोनो बीच के रास्ता तो निकल ही के पड़ी इससे पहले कि कोनो और दुर्घटना हो जाए भाई कुछ ना माई कुछ कहानी का तो हमरा से कौनो गलती भइल बा का अरे ना वो जोन फिल्म करे के बना ओकरे कहानी के बारे में सोचा था अच्छा मालूम बा जब आप सोच में डूबल रहेनी तब बहुत सुंदर लागेनी
हमरा के आपके जैसा ही एकदम सुंदर लड़का चाहिए। ना, हमरा के तोहरे जैसा एगो सुंदर बेटी चाहिए। बस ओकर आंख हमरे जैसा होके की चाहिए। काहे हमरा आंख में कोनो प्रॉब्लम बा का? अरे ना, हमार मतलब वो नहीं के। ना, कोनो प्रॉब्लम हमरा में ही बा। यही से हम आज ले माई ना बन पवनी। ऐसे काहे सोचा था? हाँ, डॉक्टर के दवा और दुआ से सब ठीक हो जाए। रब ने बना दी जोड़ी, देखते देखते हमरे दिमाग में एगो आइडिया आई। माताजी कुछ बात करे करे आपसे। बोलिए बेटा जी। देखिए, हमके एक बात की बहुत नाराजगी बा। का? आज ले आप हमके दहेज में कुछ ना देनी। दामाद जी, जोन कुछ अंजलि कहा तो रोवे कता हा? हम अंजलि की बात नहीं करत। हाँ? हमके एंजल के हिस्सा में से चाहिए। बेटा जी, कितनी बेर बोली कि अंजल ये एंजल हा। दरअसल आप जौना के अंजलि के नखरा समझेनी, वो एगो बीमारी है। और अगर आप चाहता नहीं कि हम उनके लिए के डॉक्टर के लगे ना जाएं, तो एंजल से हमारी दोस्ती करवा दी। ला ला ला। बिटिया, हमरा के तोरा से केहू के मिलावे के बा। किकरा के? चला मिलाई। ओह माय गॉड, सुपरस्टार निरहुआ। सर, हम राउर बहुत बड़ फैन हैं। देखी ना, पूरा घर में राउर फोटो लगा ले बानी। बिटिया बिटिया, ये निरहुआ ना, निरंजन निरंजन हमारे भाई का बेटा। लेकिन ये तो हूबहू निरहुआ जैसा लागत आ रे। लेकिन आंटी, पहले इनकरा के कबू देखनी ना हम। कहा ना बेटा कि अपने पापा के साथ रहता ना पटना में। पटना में ना, तो ई अब आज से हमरे संग रही है। एजा। हम भी यहाँ भी अभी शिफ्ट भइल बानी। एकरा पहले कहीं और रहत रहनी है ना आंटी? हाँ, हाँ, हाँ। ये हमरा के मकान मालकिन ने अपना के किरायेदार समझा दिया। अच्छा, का खुसर पुसर होता? कुछ ना बिटिया, कहता नहीं कि इनकरा के तोरे संगे फिल्म के ऑडिशन एडिशन में जाए के चाहिए ना। अब बिटिया तनी इनकरा के भी कुछ काम हम दिया था। देखी आंटी, ये डुप्लीकेट लोग के कब वो मेन रोल तो मिले ला ना, बस कौनो साइड रोल मिल जाए छोटा मोटा। का ना कि हमके खाली एक बार टीवी में लौके के बा, अब चाहे साइड में खड़ा करा लोग चाहे पीछे, बस खाली हमके काम दिवा दी। ठीक बा सुनो, तो के एक्टिंग करे आवेला कि ना? उमे कबा सीख ले। देखा, अगर निरहुआ जैसन बने के बा तो बहुत मेहनत करे के पड़ी। अरे ऊ का मेहनत करेला, जोन मेहनत हम करब। देखियो गुड। लेकिन सुना, तोके फिल्म में काम करे के बा ना, तो पहले तोके तोहार नाम बदले के पड़ी। आज से तोहार नाम निरंजन ना, नीरू। नीरू। अपना मेहरारू अंजलि खातिर हम निरहुआ रहनी, और एंजल खातिर बन गेनी नीरू, और उनका से दोस्ती कर लेनी ताकि उनकर ख्याल रख सकी। और वो दिन से शुरू हो गई हमार डबल ड्यूटी। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे गाड़ी आ गई है। पहले पब्लिक को अपने बारे में बताने तो दे। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे दूर की चीज नजदीक नजर आती है, समझे? नीचे। क्या है मैडम? आपको पता नहीं दारू पी के गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, बाहर आइए। मुंह खोलिए। अरे मैं क्यों मुंह खोलूं? आपके पास तो दारू चेक करने वाला मशीन कहाँ है? वो था मैडम, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। खैर छोड़िए, आप मुंह खोलिए, मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको दिमाग नहीं है? ऐसी हालत में आप मेरी वाइफ को रास्ते पे खड़ा कर दिए, पता है आपको?
इनकी हालत आपको पता है? अभी तो ये अचानक, अरे बाप रे बाप। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, डाले तुम क्यों खड़ी हो, जाओ जाके गाड़ी में बैठो, जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो। अब संभाल के, वो क्या है ना, अब प्रेगनेंसी की हालत में वो बैलेंस बिगड़ जाता है चलते चलते। जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैडम अभी नॉर्मल थी। नॉर्मल? 6 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन दारू की बदबू आ रही। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बच्चे हैं? हाँ। तो बीबी भी होगी? नहीं, हाँ है। तो आपकी बीबी प्रेगनेंसी की हालत में दारू पीती थी? हाँ। नहीं 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 नहीं। वो क्या है, ऐसी हालत में दारू पीने से बच्चा कमजोर पैदा होता है। हाँ? मेरी बीबी कैसे दारू पी सकती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? हाँ। अरे ये क्या, जीभ दिखाइए। अरे बाप रे बाप। क्या 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 हो डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा टेंशन। पर आपको एक बात पता है? हाँ। ये जितनी बीमारियां होती है ना, हाँ? टेंशन की वजह से होती है। डेंगू, मलेरिया, हैजा, कॉलरा, एड्स और पता नहीं क्या क्या। ये एड्स तो वहां जाने से होता है ना। अरे पर वहां आदमी जाता क्यों है? क्यों? टेंशन की वजह से। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगा। कहां पर है आपका क्लिनिक? अरे जुहू पे, किसी से पूछिएगा डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन? हाँ, पर आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे। थैंक यू। पक्का आएंगे, 100% आएंगे। ओह माय गॉड। नीरू तू हमके नीक लागे लागल बाड़ा। हाँ? कहीं तोहरा के हमसे प्यार तो ना हो गई? अभी तक तो नहीं है भाई, लेकिन पता ना आगे हो भी सकेला। अगर एंजल के हमरा से प्यार हो गई और हमके एंजल से, तो कहीं ना कहीं ये हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा हो। सोना बाबू, चलो उठा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चला। ला, दवाई खा ले। रहुआ के कैसे पता चल जाला हमरा सर दर्द के बारे में? जानू, जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाला ना, तो सब पता चलेला। का हो? का बोला? एक काम कर, तू ना आराम कर, हंसराज वालन से मीटिंग बा, हम मीटिंग का क्या होता नहीं, कह देव कि तू शूटिंग में बिजी बड़ा। ना यार, चलो दानी हमू, वैसे भी 1 घंटा की ब्रेक बा। फिर से एंजल? हाँ यार, सवेरे 4 बज गए। हमरा तो लगा था ना कि अंजलि भाभी के सब कुछ सच सच बता देवे के चाहिए, ना तो तहरा अब इलाज की जरूरत पड़ी। ठीक है न बा, बिना कसरत के वजन घट रहा बा। तहरा मजाक सुझाता, हम मजाक नहीं की करत, वजन नहीं खे घटत, अब ये हाल रही तो तहार सेहत पर बहुत असर पड़ी। हाँ यार, लेकिन नहीं की बता सकत, पता ना अंजलि सदमा बर्दाश्त कर पाई है कि ना, और हम उनके खोवल नहीं की जात, जैसे चला था वैसे चले था। ठीक बा, और अब वो हमार जीवन साथी बाड़ी, उनका के खुश रखे खातिर हम ये सब जीवन भर कर सकता नहीं। हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं जो बिहार बेस है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बिहार के सुपरस्टार को इसमें हीरो लें। बॉबी, ये है हरीश के बचपन के दोस्त नंबर 1 वाला। हरीश, बॉबी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप एक दूसरे को जानते हैं? बचपन से। मच्छर? हाँ।
ये मच्छर हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? नॉटी नॉटी वेरी नॉटी। ये बॉबी हमें सही पकड़े हैं। बॉबी मतलब खेल में, पढ़ाई में, लड़ाई में, हर चीज में नंबर वन। देखला बोबिया के पावर। का भाई बोबिया के याद आता? सब ठीक बा ना? अरे सब ठीक बा। हमरा का भाई, फिल्म के हीरो तो तू बाड़ा। अब बचपन के बाद बचपन में ठीक रहे, अब 20 साल हो गई। हम तय कर ले बानी बोबिया से ना, मतलब काम से काम रखे के बा। तू ना काम से काम रखबा। आऊ मतलब हाथ पे हाथ रखी, होठ पे होठ रखी, और पता न कहां कहां का का रखी। लेला मजा फ्री में जो मिलता है। फ्री में तो तू मिलता रहा बोबिया के, 20 साल के प्यास बुझाई बोबिया। अरे नाम मतलब ओकर, ओकर नाम सुन के हमार फटत है। अभी से जी, अभी से जैसे तहार सास के नाम सुन के तहार फटेला। अभी सोचा कि तहार सास काल का करे वाला बाड़ी। का भइल फाट गइल।